अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल मीठे। ये मैंने मेवा काट लिया है, ये मैंने गुड़ ले लिया आधा किलो, आधा किलो मैंने चावल ले लिए पके बासमती, भी वो दी थी घंटा डेढ़ घंटा हो गया भिगोए। ये पानी मैं गर्म रखूँगी, ठीक है। इसे मैं ना पकने के लिए रखती हूँ, पानी थोड़ा सा डाल के गुड़ को, ये खुर जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा बस। ये मैं इसे पकने रखती हूँ, इधर मैं चावल उबाल लेती हूँ, फिर बकाया काम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये अब हम निचोड़ लेते हैं। वो देखे हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। ये देखिए हम चाशनी डालने लगे हैं, छान के डालनी है इसलिए कि कोई होता ना बीच में काफी सा चीज ना हो। ये देखें, ये निकल आता है ना, इसलिए मैंने छाना था ये। अच्छा जी, ये हमने मेवा भी डाल देना इसमें। ये मिक्स कर दिए, अब मैं ना इसमें ना घी डाल, घी डालें आप तेल डालें जैसे आपकी मर्जी है, अंदाजे से नहीं बताओ बस। बस अब ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए फिर इसे ना दम लगा देते हैं। देखिए पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा है, अब दम पे लगाते हैं इसे। थोड़ा सा और खुश्क हो जाए, मेवा भी डाल दिया। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इसका, चावल भी अच्छे हैं, लंबे लंबे से हैं। और थोड़े से हल्के से रखते हैं ना कली, फिर उबाल लेते हैं इसे, तो फिर अब ये ना दम में हो जाएंगे। दम ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे। अच्छा जी, मेवा मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डाला, बच्चे मेरे ना मेवा नहीं खाते ज़्यादा। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब जौन से हमारे गुड़ वाले चावल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया और आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले अलग अलग दाना है और कितना शाइन कर रहे हैं। और जौन सा हम लोगों ने इसके अंदर नारियल डाला है वो भी नज़र आ रहा है, और हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो डाली है इलायची, तो उसकी वजह से खुशबू बहुत अच्छी हो गई है। और सौगी भी हम लोगों ने डाली है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी पसंद के कोई और अगर मेवा जार डालना चाहते हैं तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी है जो हमने आज आपके सामने गुड़ वाले चावल बनाए हैं पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फ़ीडबैक दें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को क्योंकि ना सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो व्यूवर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस आप लोगों को हम दिखाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, तो इतना तो हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।